दोस्तों, सिगरेट को बिजनेस की सेंस में एक परफेक्ट मॉडल कहा जाता है, क्योंकि ये 1 रुपए से कम में भी बन जाती है और इसे 10 से 20 रुपए पर पीस के हिसाब से बेचा जा सकता है और लोगों को इसकी लत भी लग जाती है, जिस कारण कंपनी को अपने कस्टमर्स गंवाने का भी खतरा नहीं रहता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन सिगरेट्स को बनाने में मेहनत नहीं लगती। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी मेहनत के बाद इन सिगरेट्स को खेतों में उग रहे तंबाकू से एक डिब्बी में बंद किया जाता है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सिगरेट बनाने की प्रक्रिया तंबाकू के खेतों से शुरू होती है, जहां ब्राइट और बर्ले दो तरह की टबैको क्रॉप्स उगाई जाती हैं और एक अच्छी सिगरेट में इन दोनों का ही मिश्रण डाला जाता है। तंबाकू के इन क्रॉप्स को काटने और सुखाने के प्रोसेस को क्योरिंग कहते हैं, जिसके बाद इन्हें एक स्टेमर में भेजा जाता है, जो इसके लैमिना में से स्टेम और वेन्स को छाट कर अलग कर देता है। इसके बाद इसे एक वेयर हाउस में भेज दिया जाता है, जहां अगले 2 साल तक इन्हें स्टोर करके रखा जाता है, ताकि ये टबैको नेचुरल तरीके से अपना फ्लेवर डेवलप कर सके। इसी एजिंग प्रोसेस के दौरान अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सा टबैको किस काम के लिए कितना फिट है और उसे कितना ब्लेंड किया जाना है। एक सिगरेट बनाने के लिए 5 अलग अलग कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड लीफ, ब्लेंडेड लीफ, इम्प्रूव्ड स्टेम, एक्सपेंडेड स्टेम और एक्सपेंडेड टबैको। रिकॉन्स्टिट्यूटेड लीफ में स्टेम्स, लैमिना और टबैको के बाकी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें सिगरेट बनाने के लिए पहले शीट्स में बदलना जरूरी है। ऐसा करने के लिए इसमें से वाटर सॉल्युबल फाइबर को अलग किया जाना काफी जरूरी हो जाता है, जिसे करने के लिए सबसे पहले इसमें गर्म पानी मिलाया जाता है, जिसके साथ ये वाटर सॉल्युबल फाइबर मिक्स हो जाता है। इसके बाद इस पानी को अलग से निकाल लिया जाता है और हमारे पास जो बचता है उस फाइबर को रिफाइन और प्रोसेस करने के बाद शीट्स में बदल लिया जाता है। पानी के साथ जो वाटर सॉल्युबल फाइबर हमने अलग कर लिया था, उसे अब गर्म किया जाता है और एक वक्त के बाद इसमें से सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और हमारे पास प्योर टबैको कंपाउंड बचता है, जिसमें फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव्स और ह्यूमिसिटेंट्स को ऐड कर दिया जाता है, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बरकरार रहे, और ये मटेरियल वापस से रिकॉन्स्टिट्यूटेड शीट्स पर अप्लाई कर दिया जाता है, जिसके बाद इन शीट्स को ही छोटे छोटे सूखे पीसेस में काट दिया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड लीव्स की ही तरह ब्लेंडेड लीव्स को भी शीट्स में ही बदला जाना है। ब्लेंडेड लीव्स को बर्ले स्टेम से बनाया जाता है, जिन्हें पहले अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद प्रोसेसिंग एड्स के साथ मिक्स किया जाता है, ताकि पेक्टिन निकल सके। पेक्टिन एक नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब इसे गर्म किया जाता है तो ये एक ऐसा जेल बना लेता है, जो सारे मटेरियल को आपस में जोड़ कर रखता है। इसके बाद इसमें फ्लेवरिंग्स, ह्यूमिसिटेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स को डालकर इन्हें एक मूविंग बेल्ट में हीट किया जाता है, और इससे भी शीट्स बना ली जाती हैं। आखिर में 3 कंपोनेंट्स, यानी कि इम्प्रूव्ड स्टेम, एक्सपेंडेड स्टेम और एक्सपेंडेड टबैको, तीनों ही इसलिए सिगरेट में डाले जाते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं और ज्यादा जगह ले लेते हैं, जिस कारण से सिगरेट बनाना काफी सस्ता पड़ जाता है। साथ ही इन तीनों कंपोनेंट्स में निकोटिन की मात्रा भी काफी कम होती है। इम्प्रूव्ड स्टेम और एक्सपेंडेड स्टेम को बनाने के लिए ब्राइट टबैको स्टेम को पानी के साथ मॉइस्चर और फिर स्टीम किया जाता है। इन स्टेम्स को इसके बाद रोल करके काट लिया जाता है, और इसमें भी मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए ह्यूमिसिटेंट्स डाले जाते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें एडिशनल कंपोनेंट्स के तौर पर शुगर भी मिक्स की जाती है। एक्सपेंडेड स्टेम को एक एक्सपेंशन टावर पर आखिरी बार सुखा दिया जाता है, और इम्प्रूव्ड स्टेम को भी स्टीम करने के बाद सुखाया जाता है। एक्सपेंडेड टबैको बनाने के लिए ब्राइट और बर्ले दोनों तरह के टबैको क्रॉप्स को कट करने के बाद उनके लैमिना के साथ शुगर और ह्यूमिसिटेंट्स को मिलाया जाता है, और इसके बाद इसमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है, और फिर एक एक्सपेंशन टावर पर इसे एक्सटेंड किया जाता है। अब इन 5 तरह के कंपोनेंट्स को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, और अब बारी है अगले स्टेप में जाने की। इन कंपोनेंट्स को इसके बाद ओरिएंटल टबैको के साथ मिक्स किया जाना है। एक सिगरेट में किस कंपोनेंट को कितना डालना है, वो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम उस सिगरेट के टाइप के हिसाब से डिसाइड करता है। ब्राइट, बर्ले और ओरिएंटल टबैको को अलग अलग स्टीम किया जाता है, ताकि टेम्परेचर और मॉइस्चर बढ़ने से लीव्स के टूटने के चांसेस कम रहे, और इसके बाद इनके लीव्स को एयर सेपरेटर और फीडर मशीन में अलग अलग कर लिया जाता है। ओरिएंटल बर्ले टबैको को मिक्स करने के बाद
उनके ऊपर एक लीफ ड्रेसिंग अप्लाई की जाती है, जिसमें चॉकलेट और लिकोराइस ऐड करने के बाद एक और बर्ले ड्रेसिंग के साथ इसे साथ में रिकॉन्स्टिट्यूटेड लीव्स के साथ ब्लेंड किया जाता है। एक्सटेंडेड टोबैको के साथ ब्राइट, बर्ले और ओरिएंटल टोबैको को ब्रांड और सिगरेट के टाइप के हिसाब से एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है, जिसके बाद इसे टोबैको को एक फ्लेवर सिलेंडर में भेज दिया जाता है, जहां इसमें फाइनल फ्लेवरिंग्स ऐड की जानी है। फाइनल फ्लेवरिंग्स को डीनेचुरेटेड इथाइल अल्कोहल की मदद से ऐड किया जाता है। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल वो होता है जिसे पिया नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रोसेस के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फ्लेवरिंग्स पानी में डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए इसमें ऐसे अल्कोहल को ऐड करना पड़ता है जिसे निकोटीन सल्फेट और मिथिलीन ब्लू के साथ ट्रीट करके डीनेचर कर दिया गया हो। जैसे ही ये फाइनल फ्लेवरिंग्स ऐड कर दी जाती है, इस पूरे टबैको को शॉर्ट टर्म स्टोरेज में भेज दिया जाता है। यहाँ से बाहर आने के बाद इस ब्लेंड को एक सिगरेट मेकिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जो इसे एक पेपर में रोल कर देती है। मशीन से बाहर आते समय ये अलग अलग सिगरेट्स नहीं बल्कि एक बहुत ही लंबी सिगरेट की रोड होती है, जिसे बाद में सिगरेट के अलग अलग साइज में कट किया जाता है। इसके बाद ये सिगरेट आगे पहुंचती है, जहां इन पर एक मशीन फिल्टर अटैच कर देती है। ये फिनिश्ड सिगरेट इसके बाद लाइन से अलग जाती है और अपने बॉक्सेस में पैक हो जाती है। इसके बाद इन्हें सील करके देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज दिया जाता है। दोस्तों, यूं तो सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है और न ही हम इसे रिकमेंड करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि एक सिंपल से दिखने वाले प्रोडक्ट के पीछे इतनी साइंस शामिल है? ना जाने कितनी ही बार स्टीम और ड्राई करने के बाद आखिर में ये उस टेक्सचर तक पहुंचती है जिसे हम मार्केट में देखते हैं। हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। आप हमारी अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएं।